कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर की करीब 2.73 करोड़ रुपए की लागत से हुई 4 सड़कों के सुदृढ़ीकरण के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इनमें संखेड़ा, जठेड़ी, चिगनौली गांव, दरियापुर और रामखेड़ी तरांवाला गांव शामिल हैं। पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने हर क्षेत्र में पूर्व की कांग्रेस सरकार से 10 गुना अधिक विकास किया है। कांग्रेस के समय किसानों के लिए केवल बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन मौजूदा सरकार ने किसानों के हित में धरातल पर ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने कच्चे कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा निर्णय लिया है। भाजपा के शासन में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। इससे बहुत लाभ रहेगा और जो ये कर्मचारी है तो अब इनका जो एक खतरा में डरता रहता था, ये काफ़ी लंबे टाइम से हमें मिलते थे और हमें कहते थे कि हमारे जॉब सिक्योरिटी हमारी होनी चाहिए और बड़े होनहार बच्चे हैं, आगे ट्राई करते रहेंगे। जो जिस प्रकार से कैंसिया निकलेगी वहाँ ट्राई कर सकते हैं, धार तक तक यहाँ काम कर सकते हैं। बोनस है किसान, हालांकि पहले तो निर्णय ये था कि जो फसल आएगी तब बोनस दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद विचार किया गया, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान की समस्या आज की तारीख में, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से किसान के लिए काफ़ी बड़ी समस्या है इस टाइम, तो क्यों ना ये पैसा अब डाल दिया जाए, उस टाइम देने की बजाय भी डाल दिया जाए। तो निर्णय लिया गया कि प्रति एकड़ 2000 रुपये, चाहे किसी खेत में कोई फसल है, तो 2000 रुपये के हिसाब से किसान खेत में अभी वो पैसा ट्रांसफर कर देंगे। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने व इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कल यमुनानगर के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैंप में 4.25 करोड़ की लागत से बनने वाली बहुमंजिला भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों में आज बहुत बड़ा बदलाव आया है। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए सरकार ने सुपर 100 जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसके अत्यधिक सफल नतीजे सामने आ रहे हैं। अब इसे सरकार ने सुपर 600 कर दिया है। इसके तहत पढ़ने वाले बच्चे IIT, नीट, एम्स व इंजीनियरिंग के उच्च संस्थानों में दाखिला ले रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो आधुनिक शिक्षा है वो सभी बच्चों को, चाहे वो टाइप देने की बात थी, अभी तक पूरे देश में सबसे ज्यादा जो टाइप दिए गए वो हरियाणा में दिए गए, यानी कि उत्तर प्रदेश हमारे से बहुत बड़ा है, उससे भी ज्यादा हमने दिए। इसी प्रकार से हमने सुपर 100 शुरू किया कि जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके माँ बाप इतने सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने बच्चों को कहीं कोचिंग दे सकें, क्योंकि कोचिंग में भी कई लाख रुपए खर्च होते हैं। तो इसलिए हमने सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए एक कोचिंग का प्रावधान किया और जिन बच्चों के नंबर 80% से ज्यादा हैं, ऐसे बच्चों का एक टेस्ट लेते हैं और उसके बाद 8 दिन को कोचिंग देते हैं।